हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर पाल ठाकुर। अभी मेरी थोड़ी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे हो गया कोल्ड, बट आज की वीडियो में हम करेंगे विस्पर मैक्सी फिट रेगुलर पैड का रिव्यू। ये कैसा है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप में आती है, इसमें 15 पैड्स हैं, उसकी फुल डिटेल वीडियो आपको पूरी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आपको कौन सा और देखना है और किसका देखना है। इसका कुछ प्राइस मुझे 155 रुपीज़ पड़ा था 15 पैड का, और यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है, इसको यूज़ कैसे करना है तो इसके ऊपर मैं फोकस करके बता देती हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। इसको पिल ऑफ मतलब सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, और यहाँ पे थोड़ी और डिटेल दे रखी है, सेम ब्रांडिंग कर रखी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20% रिसाइकलिंग, मतलब आप इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें MRP दी हुई 155 पर पैड आपको 10.33 रुपीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ बना है उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। नेट क्वांटिटी इसमें 15 पैड है, तो ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बैच नंबर और टाइम 8:50 पे ये बना हुआ है, रिसाइकलिंग एंड सो ऑन इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, इस पैड के बारे में, इस पैड की कंपनी के बारे में, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोड दे रखा है और पीछे दे रखा है विस्पर मैक्स फिट का पैड का पूरा डिटेल। रेगुलर है, लेंथ इसकी 2115 mm है। इस प्रोडक्ट की इमेज दे रखी है और साथ ही में दे रखा है कि इसको कहाँ आपको स्टोर करना है। इसकी टॉप सीट के बारे में दे रखा है यहाँ पे, और साथ ही साथ में ये कितने टाइम के लिए आपको अब्जॉर्ब करता है वो सब आपको लिख रखा है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा पैकेजिंग में 15 पैड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैक लग रहा है कि 15 के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पैड होना चाहिए इसमें, ऐसा लग रहा है इसकी पैकेजिंग देख के। तो फुल पैकेजिंग कुछ इसकी ऐसी है। अब इसमें से हम पैड निकालते हैं और देखते हैं वो कैसे है। तो जी, इसका पैड कुछ एक पाउच में आता है, व्हाइट कलर का पाउच है, कोई प्रिंट नहीं है। जो पैड है इसके जो पाउच का मटेरियल जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतला है और रिसाइकल भी हो सकता है। तो इसको पूरा ये मतलब ना हर साइड से बंद है, ऐसा नहीं है कि किस साइड से ओपन। तो आपको इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे साइड में ना एक वो दे रखा है, मैं दिखा रही हूँ कि दोनों साइड से भी बंद है और पूरा का पूरा कवर अप है। ये आपको कोई भी जम्स कोई भी डस्ट से नहीं, कहीं ले जाने के लिए भी अच्छा रहता है, ट्रैवल टाइम में बहुत अच्छा रहता है, सिक्योर भी रहता है और आपको थोड़ा अजीब भी नहीं लगता किसी ने देख लिया। तो ये इसकी पैकेजिंग है, कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो पीछे की साइड ना ये एक पेपर से लगा हुआ है, जो पेपर हमारे पैड से स्टिच लगा हुआ है ना, चिपका हुआ है, सेम उसी पेपर से ये लगा हुआ है। और मुझे बड़ा दम लगा के इसको इसमें से हटाना पड़ा, यहाँ तक कि ये फट भी गया, इतना स्ट्रांगली इसमें लगा हुआ था। तो ये मेरा पैड से नहीं निकल रहा है, पैड के ऊपर एक पेपर है जिसमें गम लगा हुआ है तो उस पर, और इसको फटाफट मैंने साइड कर दिया। तो ये है उसके ऊपर पेपर, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टिच होता था, आप इसके साथ चिपक जाएगा। एंड इसके फैब्रिक की बात करूँ तो इसके ऊपर आपको मैं पास से दिखाती हूँ, छोटे छोटे डॉट हैं जो कि हमारे ब्लड को अब्सॉर्ब करेंगे। तो अभी हम टेस्ट भी करेंगे कि ब्लड को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, कितना टाइम लेता है। तो कुछ इस तरह से पूरे के पूरे पैड में दे रखे हैं। और साइज़ की बात करूँ तो इसका जो पैकेजिंग है ना उसी के पूरा छोटा साइज़ है मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो, और मोटा तो ये काफ़ी लग रहा है मेरे को, कि जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी वो इतना पतला था और इतना बड़ा था, बट ये छोटा है। तो देख सकते हैं हाथ से बस थोड़ा सा मेरे बड़ा है, वरना ये काफ़ी छोटा है अगर आप ऐसे यूज़ करते हो। इसमें ना मेन चीज़ क्या है, इसमें विंग नहीं दे रखा, तो विंग के बिना मुझे पैड यूज़ करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि ये हिलने का डर रहता है। अब हम करते हैं इस पर ब्लड टेस्ट। तो ये मैंने पैड रख लिया, ये मैंने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया हुआ है, तो इसको देखते हैं कितने टाइम में अब्सॉर्ब करता है। आई नो ये पूरी तरह से ब्लड नहीं है, एंड देखिए डालते ही 2 सेकंड भी नहीं लिए, बस डालते ही अब्सॉर्ब, इतना सही और इतना क्विक ये अब्सॉर्ब कर ले रहा है। ये देखिए तो मैं सही में हैरान हो गई थी, इतना जल्दी इतना सही अब्सॉर्बमेंट कैसे कर सकता है। तो फटाफट मैं डालती गई, मैंने एक बार भी चम्मच से स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की, बस छोड़ा और जैसे मैंने चम्मच हटाया तो ये जा चुका था। मैंने इसके अंदर थोड़ा फ्रंट की साइड में भी ट्राई किया तो थोड़ा सा ये ट्रांसफ़र हो रहा था दूसरी साइड। एंड साइज़ की बात करूँ तो पूरा का पूरा एक ही साइज़ में है, जो दूसरे वाला था उसका एक साइड थोड़ा छोटा होता है एक साइड बड़ा होता है, बट ये पूरा का पूरा एक ही साइड में था। उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर रख करके देखा कि थोड़ा सा भी ब्लड निकलता है तो वो रह जाता है, हल्का फुल्का सा रह जाता है, वरना अब्सॉर्ब बहुत अच्छा कर रहा था। ये स्किन के ऊपर हल्का फुल्का लगेगा बट ज़्यादा नहीं। तो ये कुछ इसकी मैं पास से दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से, और बैक साइड से मैं दिखाती हूँ कि ये अब्सॉर्ब करता है, तो कुछ इस तरह से बैक से दिखेगा। तो अभी इसमें मैंने पूरा का पूरा डाल दिया था, तो अब मैंने सोचा कि हम जब स्टैंड करते हैं तो हमारा ब्लड का जो है ना वो ड्रैग होता है, तो क्या इसमें ड्रैग होता है? बट जैसे ही मैंने इसमें डिप किया मतलब उसी समय ये वहीं पे अब्सॉर्ब कर ले रहा है, यहाँ तक कि ब्लड को आगे तक ड्रैग भी नहीं होने देगा। तो
मतलब ये चीज़ इसकी बेस्ट लगी, मतलब अब्सॉर्बिंग पावर बहुत अच्छा है, बट डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि अगर इसको थोड़ी सी लेंथ अच्छी होती तो मेरे को और अच्छा लगता, बट कुछ लोगों को छोटा ही पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। विंग्स नहीं है क्योंकि मैं पर्सनली विंग्स वाले बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो आराम से लग जाते हैं और इधर उधर जाते नहीं है, तो वो चीज़ नहीं थी, तो अगर वो भी होता तो भी मस्त था। और थोड़ा सा मोटा भी है ये, तो आपको लगाने का बहुत फील होगा कि नीचे आपने कुछ लगा रखा है, तो मैंने इसको ऐसे कुछ कवर अप कर लिया। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। आप कौन सी और देखना चाहते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय बाय।